डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू फ्रॉम द यूनिट सोलिड स्टेट और इस लेक्चर के अंदर हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर को इनक्रीज़ करने पर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो कंडक्टर्स मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद इनक्रीज ऑफ टेम्परेचर और इसे हम डेली लाइफ के कॉमन एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं जैसे तुमने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर लाइट कम आती है और सर्दियों के अंदर लाइट ज़्यादा आती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर इनक्रीज़ हो जाता है और टेम्परेचर को के इनक्रीज़ होने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर को इन के इनक्रीज होने पर, तो इनक्रीज पर ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई देखो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इनक्रीज़ करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ हो जाती है काइनेटिक इंक्री एनर्जी इनक्रीज होने पर ये अपनी मेन पोजिशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वाइब्रेशन के कारण ये उनके पाथ में एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को ये आगे नहीं जाने देते पता ही है कि जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी किसके कारण होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है अब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डिक्रीज हो जाएगी अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिस्कस करने जा रहे हैं जैसा कि पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस है सोलिड लिक्विड गैस वो किससे बना हुआ है एटम्स से मिलकर बना हुआ है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन परजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन के कारण ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये क्यों होती हैं ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण देखो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व कर रहा है ये कौन सी मोशन है ऑर्बिटल मोशन है और ऑर्बिटल मोशन के कारण जब वो रिवोल्व करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवोल्व करता है तो वो अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवोल्व करता है इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवोल्व करेगा और ये कौन सी मोशन है स्पिनिंग मोशन है स्पिनिंग मोशन के कारण भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन ये दो ऐसे मोशन हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सब्सटेंस को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक एक करके हम इन सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं डाया मैग्नेटिक सब्स्टांस डाया मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली से रिपेल किए जाते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम एक डाया मैग्नेटिक को लेकर गए तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा उनको रिपेल करेगा इस तरह के सब्सटेंसेस को डाया मैग्नेटिक सब्सटांस बोलते हैं इनके नाम से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है डाई डाई का मतलब होता है टू और दो से क्या बनता है एक पेयर बनता है तो डाया मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होते हैं मतलब जिनका ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें हम डाया सब्सटेंस बोलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ से जैसे एन है बेंजीन है एच है ये सभी क्या हैं डा मैग्नेटिक सबस्टांस नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस तो पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं एक एक्शनल मैग्नेटिक फ़ील्ड हमने अप्लाई कर दिया उस एक्शनल मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर पैरा मैग्नेटिक को लेकर गए तो वो क्या होंगे उस एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होंगे और दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर हम इनको बताएं तो डाया मैग्नेटिक का ठीक अपोजिट है यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इनके अंदर क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक होती है और ये बात तुमने प्लस वन के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर डिस्कस की थी जहां पर तुमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे तो वहां पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक होता है इसी तरह से कुछ आयन्स हैं जैसे Fe3 पॉजिटिव आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन है Cr3 पॉजिटिव आयन है ये क्या है पैरा मैग्नेटिक है नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं फीरो मैग्नेटिक सब्स्टांस फिरोमैग्नेटिक सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो स्ट्रोंगली से अट्रैक्ट किए जाते हैं बाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इन द अपसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि एक बार इनको मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर करने लग जाते हैं देखो जो इन सब्सटेंसेस के अंदर मेटल्स आयन होते हैं ये मेटल आयन ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप के अंदर इकट्ठे होकर ये डोमियंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं प्रत्येक जो डोमियन है वो एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है और इस तरह से ये क्या है डोमियंस हैं प्रत्येक जो डोमेन है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सब्सटेंसेस के अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं और इसी कारण से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को हम फिर सब्सटेंस बोलते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है इसके मैग्नेट बनाए जाते हैं तो मैग्नेट इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनके अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर हो जाएं। जब भी जो सॉफ्ट आयरन है उसे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ रब करते हैं तब उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन के अंदर हो जाते हैं नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस रहे हैं और नेक्स्ट टाइप है एंटी फीरो मैगनेटिक और ये ऐसे सब्स्टांस होते हैं जो मैग्नेटिक करैक्टर प्रोजेस नहीं करते हैं जिनके अंदर कोई मैग्नेटिक करैक्टर नहीं होता है और हम कह सकते हैं कि सबस्टांस विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोजेस पैरा मैग्नेटिज़म एंड फ्योमैगनेटिज़म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन बट एक्चुअली दे पोजेस जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पैरा मैग्नेटिज्म शो करेंगे और फीरो मैग्नेटिज्म शो करेंगे लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है और ये जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होती है क्योंकि इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ डोम्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जैसे इस तरह से एक डोमेन ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है एक, एक नीचे की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ये इक्वल नंबर के अंदर है और ऐसे सब्स्टांसिस की जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं एम एन ओ का नेक्स्ट टाइप है फेरी मैग्नेटिक सब्स्टांस फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोजेस्ट करते हैं लार्ज मैग्नेटिज्म हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो लार्ज मैग्नेटिज्म प्रोजेस करें लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है और ये किसके कारण होता है ये होता है अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से ये सिक्स डोमियंस हैं और सिक्स डोमियंस हैं तो इनमें हमने देखा कि कुछ डोमियंस हैं वो आ, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है एंटी पैरेलल है एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो गई वैसे तो अगर हम देखें टोटल सिक्स डोमियंस थे यहाँ पर लेकिन तीन की मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पर कितने रह गए तीन ही रह गए हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट होगी लेकिन यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट है Thank you.